हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप की अगली वीडियो कि हम कैसे दो या तीन टेबल्स के बीच में, दो टेबल के बीच में तो पहले ही बता चुका हूं, तीन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे, इस तरह से आएगा ये। अब ये पहला टेबल मैं बना रहा हूं जिसको मैं नाम देता हूं TB1, ठीक है। क्या नाम दिया मैंने? TB1 दे दिया नाम इसको। अब इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा रोल नंबर, ठीक है। क्या लिखूंगा? रोल नंबर। ये रोल नंबर दे दिया हमने पहले। दूसरा जो हम बनाएंगे फील्ड उसका नाम होगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। रोल नंबर का जो डेटा टाइप होगा, यहां पे कैपिटल कर लेते हैं आर को। अब यहां पर जो डेटा टाइप होगा वो होगा नंबर, ठीक है। अब यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये कर दिया हमने। और नेम ऑफ स्टूडेंट करने के बाद यहां पे एडमिशन का डेट आएगा, ठीक है। यहां लिखा मैंने एडमिशन डेट, ठीक है। अब एडमिशन डेट जो है डेट एंड टाइम डेटा टाइप होगा। यहां पे देखिए डेट एंड टाइम डेटा टाइप दिया हुआ है, ये ले लिया हमने, ठीक है। इतना ही रखेंगे हम पहले वाले टेबल में। अब इसको सेव कर देता हूं, ठीक है। तो ये पहला टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब दूसरा टेबल क्रिएट कराते हैं। यहां से लिया हमने, डिजाइन व्यू पे गए। अब इसको नाम दूंगा TB2, ठीक है, TB2 ये नाम दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहां पर आप रजिस्ट्रेशन आईडी कर देंगे हम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी, ओके। और यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी जो है इसको भी रख लेंगे हम क्या, नंबर डेटा टाइप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद यहां पर रोल नंबर दे देंगे, कॉमन फील्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर डेटा टाइप चूंकि हमने वहां पर नंबर लिया था तो इसको भी नंबर दे देंगे। और अब एडमिशन फीस की बात करेंगे, एडमिशन फीस कितनी ली गई है वो यहां पे आ जाएगी, एडमिशन फीस, ठीक है। और इसको रख देंगे हम करेंसी डेटा टाइप, कौन सा रखेंगे, करेंसी, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर देना है। तो यहां पर जाकर के इसको यस कर लीजिए आप, तो ये इस तरीके से खोल करके आ जाएगा हमारे सामने। अब तीसरा टेबल बनाने की बात है, तीसरे टेबल में क्या कैसे देंगे आइए देख लेते हैं। यहां पर TB3 लिखता हूं मैं, TB3, तो अब यहां पर आईडी आ रहा है, यहां पर हम कर देंगे स्कॉलर आईडी, ठीक है, स्कॉलर आईडी, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप है इसको भी रख लेंगे हम नंबर, क्लियर है, इसको नंबर रख लिया हमने। और यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी दे देंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी, ओके। इसको हम क्या रखते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी वहां पर क्या था तो उसी हिसाब से यहां पर भी रखेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो है नंबर डेटा टाइप, तो यहां पर भी हमको नंबर ही डेटा टाइप रखना होगा, ठीक है। तो आइए एक बार इसको फिर से ओपन कर लेते हैं और ये नंबर डेटा टाइप रखेंगे इसको, ठीक है। तो नंबर डेटा टाइप कर दिया हमने। अब रोल नंबर कर लेते हैं, रोल नंबर भी था हमारे में तो रोल नंबर भी ले लिया हमने यहाँ पे। और रोल नंबर जो है कौन सा डेटा टाइप होगा, नंबर डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और एट लास्ट यहाँ पे सिटी की बात कर लेंगे हम, सिटी, तो लिखा हमने सिटी, ठीक है, सिटी जो है टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, ठीक है। और यहां से ओके प्रेस करेंगे हम, यस कर देंगे। तो ये तीन टेबल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमको क्रिएट पे जाना है और सिंपली क्वेरी विजार्ड पे जाना है, और सिंपल क्वेरी विजार्ड पे रह करके ओके प्रेस करना है। इन सारे चीजों की जरूरत हमें है। अब ये टेबल थ्री की बात कर रहे हैं, हमें फिलहाल टेबल वन चाहिए, तो टेबल वन पे आ गए हम, इन सारे चीजों की जरूरत है, ले लिया हमने। टेबल टू में आते हैं, देखते हैं क्या इसमें कॉमन नहीं है, वो चीज हम ले लेंगे। जैसे ये दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन आईडी और एडमिशन फीस, तो हम एडमिशन फीस ले सकते हैं, ठीक है। और टेबल थ्री की बात करें तो टेबल थ्री में सिटी है, ठीक है, तो सिटी ले लिया हमने। और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो टेबल वन, देन टेबल टू और यहां पे टेबल थ्री, इन तीनों को हमने ले लिया, ठीक है, तीनों को इंसर्ट करा लिया। अब ये जो रोल नंबर है इसको उठाएंगे और ठीक इसके पास ले जाके रख देंगे, तो ये एक विंडो एडिट रिलेशनशिप की विंडो ओपन होगी। इसको यहां से आप ओके करिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी टेबल्स को क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे टेबल को क्लोज कर दीजिए आप, ये टेबल क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज, और एट लास्ट इसको भी क्लोज कर लेंगे। अब हम जो काम करेंगे वो आसानी के साथ हो जाएगा। तो इससे इसको रिलेशनशिप क्रिएट करा दिया हमने। इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे टिक कर दीजिए, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक कर दीजिए, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे भी टिक कर दीजिए। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गई इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना इजीली ये बिल्ड हो गया। अब रजिस्ट्रेशन आईडी को उठाइए, इसके सामने ले जाकर रख दीजिए, तो रजिस्ट्रेशन आईडी में भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। ओके प्रेस कीजिए, तो ये देख सकते हैं आप फायदा क्या है इसका, अभी मैं दिखाता हूं इसको। पहले इसको हम करते हैं सेव, सेव कर लिया हमने। अब इसमें हमको रिकॉर्ड एंटर करना है, तो यहां पे आप देख सकते हैं रोल नंबर है, रोल नंबर वन कर दिया हमने, और नेम ऑफ स्टूडेंट
हराम। एडमिशन की डेट यहाँ पे दे सकते हैं, चूंकि हमने डेट एंड टाइम डेटा टाइप लिया हुआ है, तो जो भी डेट है एडमिशन की वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो ये दे दिया हमने एडमिशन की डेट, ठीक है। और यहाँ रोल नंबर 2 इंटर किया और यहाँ कर दिया श्याम, ठीक है। तो ये दो स्टूडेंट का नाम हो गया राम और श्याम, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपके एडमिशन की डेट हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है, ये दे दिया हमने। रोल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, रमेश, ठीक है। और यहां पर जो डेट ऑफ एडमिशन है वो दे देंगे, ये एडमिशन डेट की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दे दिया हम। तो इस तरीके से 3 रिकॉर्ड हमने एंटर कराए हैं और तीनों का रोल नंबर और नेम आपको देखना होगा। अब टेबल 2 में आते हैं। टेबल 2 में यहाँ रजिस्ट्रेशन आईडी की बात करेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, तो 101 रजिस्ट्रेशन आईडी है और रोल नंबर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और एडमिशन फीस जो लगी है वो यहाँ पे देनी है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा विथ इसकी बढ़ाता हूँ ताकि आपको ठीक प्रकार से दिखाई पड़े कि एडमिशन फीस ही ये लिखा हुआ है। तो 6,700 रुपए एडमिशन फीस लग रही है, वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये डॉलर में आ रही है, आप इसको चाहे तो रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। मैंने इस पे भी वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये दूसरा है, और अगर किसी दूसरे क्लास में एडमिशन हुआ हो तो यहाँ पे फीस जो है कम हो जाएगी, ठीक है, छोटे क्लासेस में। या अब यहाँ पे जो 3 रोल नंबर है, सॉरी 103 रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो है उसका यहाँ पे आ जाएगा। ये कर दिया हमने और यहाँ पे कर दिया हमने 7,700 रुपए एडमिशन फीस। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड एंटर करा सकते हैं। अब इसको सेव कर लिया हमने, ठीक है। अब फायदा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लस बना हुआ आ रहा है। ये प्लस का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो देख पाएंगे कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी है, ठीक है। और इस रजिस्ट्रेशन आईडी, अब चूंकि स्कॉलर आईडी वाला हमने अभी यहाँ पे एंटर नहीं करा, यहाँ पे पहले एंटर कर लेता हूँ स्कॉलर आईडी, ठीक है। 111 इज द स्कॉलर आईडी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से हमें मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर 101 से स्टार्ट है, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम 101, ठीक है। और रोल नंबर 1 और सिटी जो है यहाँ पे कर देता हूं मैं देवरिया, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहां पर आ गए, अब 112 ये स्कॉलर आईडी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 102, ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर 2 है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, तो बिहार में पटना कर सकते हैं हम, यहाँ लिख दिया हमने पटना, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं पहले वाली टेबल में, एड्रेस की तो कहीं बात है नहीं, तो यहाँ पे हम पटना का, हमने पटना कर दिया और 113 कर दिया हमने और यहाँ पर 103 और इसके बाद यहाँ पे 3 रोल नंबर हो जाएगा और यहाँ पे कर देंगे हम कोलकाता, कोलकाता, तो ये कोलकाता भी कर दिया हमने। तो इस तरीके से हमने ये तीनों आसानी के साथ बना लिए, यहाँ से हम फॉर्म बना सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप कि एक साथ 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, यानी कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एडमिशन और रजिस्ट्रेशन आईडी और एडमिशन फीस, ये भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं। आपने देखा कि ये रिलेशनशिप कितना फायदेमंद है, किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर बनाने में ये किस तरीके से हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हमको एक रिकॉर्ड देखना है, एक टेबल का रिकॉर्ड, तो उसके सहायता से हम दूसरे टेबल का भी रिकॉर्ड आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कॉलर आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी कि एक टेबल से हमने कई टेबल, यानी 2 टेबल्स को रिलेशनशिप क्रिएट करा दिया। यहाँ पे देखिए दोनों टेबल के हिसाब किताब जो भी है, रोल नंबर है, नेम है, एडमिशन डेट है। अब यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी और एडमिशन फीस आ रही है, ठीक है, इसके बाद स्कॉलर आईडी, रोल नंबर और सिटी भी आ रही है कि किस सिटी का रहने वाला है। तो इस तरीके से हम ये बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट करा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्पफुल होगी। जल्दी मैं, मुझे एक रिक्वेस्ट डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आई है कि डेट ऑफ बर्थ पे वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचे रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।